हम एक्सरसाइज नंबर 9 की तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज हम इसको खत्म करेंगे। 10 टू लेकर 14 तक क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, इसको फार्मूले के जरिए से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका 57 मल्टीप्लाई 57, ये दो दफा एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको स्केयर लगा सकते हैं। स्केयर लगाने के बाद हमने इसको फॉर्मूले के तहत हल करना है, इसलिए फॉर्मूले के मुताबिक इसको बनाएंगे। 60 माइनस 3, तो 60 माइनस 3 57 होता है। तो अभी हमने पिछले इसके वीडियोस में हमने फॉर्मूला नंबर 1 किया था, अभी फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास। वो था a प्लस बी स्केयर, लेकिन अब हमारे पास है a माइनस बी होल स्केयर। ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो इसके मुताबिक हम करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये जो b है ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये सेकेंड टर्म का स्केयर है, दरमियान में माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म जो है उसका हम स्केयर लेंगे, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन सा है 60, तो 60 का स्केयर ले लिया। फिर क्या आता है माइनस 2 और फिर फर्स्ट टर्म 60 आएगी मल्टीप्लाई होगा, और फिर सेकेंड टर्म 3, और इसी तरह से 3 जो है आगे जाकर एंड पे उसका स्केयर बनेगा। 60 को 60 से करेंगे तो 0 को डबल कर लिया, 6 6 36 माइनस 260 120, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 360 प्लस 3 3 9। इन जो दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं, तीनों को प्लस 9 एस माइनस 360, तो 3600 में हम 9 प्लस कर लेते हैं और फिर इसमें से 360 माइनस कर लेते हैं, 9 आ जाएगा हमारे पास। यहां से बोरो लिया 10 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 2, और ये 3 ही हमारे पास आएगा। तो 3249 ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 994 मल्टीप्लाई 994। पीछे वाला जो हमने फॉर्मूला किया था उसे फॉर्मूला नंबर 1 बोलते हैं, और ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है इसे फॉर्मूला नंबर 2 बोलते हैं। तो आगे हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, इसलिए इनका हम चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम इनको स्क्वायर में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो हम 1000 माइनस 6 करेंगे, तो 1000 में से 6 माइनस हो तो 994 आ जाता है, इसका स्केयर लग गया। वी नो a माइनस b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो जो पहली टर्म पहला नंबर है उसका हमने स्केयर ले लिया, माइनस आगे 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पहला नंबर है मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 6 है, और एंड पे प्लस 6 होल स्केयर। इनको हमने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 6 जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और 1 1 1 माइनस 2 को 100 से 1000 से किया तो 2000, 6 से किया तो 12000 प्लस 6 6 36। तो अभी हम इसको 1 मिलियन को और 36 को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं। यहां पे हम इसको
सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 36 प्लस किया और फिर हम इसमें से 12,000 माइनस करते हैं, ये प्लस 6 आ गया, 3 आ गया, ये जीरो ही रहेगा। यहां से 12 लिया तो यहां तक आते थे 10 माइनस 2 8, 9 रह गया था, 9 माइनस 1 8 और यहां पे 9। तो $988,036। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, 9,997 × 9,997। तो ये दो दफा एक ही नंबर है इसलिए हम इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं और फिर इसको 10,000 में से अगर हम 3 निकाल लें तो ये 9,997 बनता है। तो इसका हम स्क्वायर लगाएंगे। अब फार्मूला कौन सा हमने इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना है, माइनस वन, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला जो इसका इसकी टर्म है, इस जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर लग गया माइनस 2, ये फॉर्मूले वाला। उसके बाद पहली टर्म मल्टीप्लाई फिर 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो 1, 2, 3, 4 ये 80 बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3, 2, 6, 6 को 10,000 से किया तो ये 60,000 आ गए और 3, 3, 9। अभी हम लाइक टर्म को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके साथ 9 को प्लस करेंगे और 60,000 बीच में से हम माइनस करते हैं। तो यहां पे हम करते हैं इसको रफ वर्क इसका, वन हंड्रेड मिलियन इसमें हम 9 प्लस करते हैं और फिर इसमें से 60,000 हम माइनस करते हैं, ये 9 आ गया, ये 0, इसी तरह 0 0। और यहां से मन जो है ये कैरी आगे जाएगा, 12 जाएगा, ये 10 हो गया, ये फिर 10, फिर ये 10, फिर ये 10 और जब आगे बढ़ते जाएगा तो पीछे 9 होते जाएंगे। तो 10 माइनस 6 4 और यहां पे सारे 9 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,99,4,009। तो ये आ गया 99,940,009। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, इसमें a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और ये हमने आंसर निकालने हैं। पहले पार्ट में ये आंसर आएगा, दूसरे में ये वाला और तीसरे में इस तरह से। तो हमने ये प्रूव करना कि क्या वाकई यही आंसर आते हैं। तो हम पार्ट नंबर 1 करेंगे, a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, a स्क्वायर माइनस 1 ओवर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज 6, ये हमने फाइंड करना है कि ये कैसे आए। तो हम इक्वेशन लेते हैं a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसे हम इसका दोनों तरफ से ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इसका भी स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2
मल्टीप्लाई पहली टर्म, मल्टीप्लाई इसकी दूसरी टर्म, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4। यहां पे हम लिख सकते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये a और 1 ओवर a दोनों का a आपस में कैंसिल हो गया है, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2, हमने आंसर लेकर आना है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 2 जो है एक्स्ट्रा है, इसको हम खत्म करेंगे प्लस का 2 लगाकर। अब इक्वेशन का असूल ये होता है कि जो आप प्रोसेस एक साइड पे कर रहे हैं वही दूसरी साइड पे भी करेंगे। इधर अगर प्लस 2 हमने लगाया तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2 6। तो हमने फाइंड क्या करना था, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा आ गया है, इसे हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, तो हमने फाइंड करना है a 4 प्लस 1 ओवर a 4 इज इक्वल टू 34। इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2। ये हम माइनस 2 वाला हिस्सा बाद में भी कर सकते हैं, इस तरह मैं ऐसे कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड 2 2 आर 4। ये दोनों a जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 4 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसका फिर से स्क्वायर हमने लेना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, आगे 6 का भी होल स्क्वायर, दोनों साइडों को हमने स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2। यहां पे देखिए ये प्लस वाला था, इसके हमने 2 के साथ प्लस लगाया था, इसमें माइनस था और 2 के साथ माइनस। अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस लगेगा 2 के साथ, और अगर माइनस वाला है तो 2 के साथ माइनस लगेगा। 6 6 36। यहां पे हम एक और वजाहत लिख लें, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 6 6 36, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, एक न्यूमिरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, आपस में कैंसिल हो गए, ये ए 4 स्क्वायर का स्क्वायर है इसलिए ए 4, 1 ओवर ए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36।
अभी हमने क्योंकि a4 plus 1 और a4 फाइंड करना है, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा, इसको हम कैंसिल करेंगे, a4 plus 1 और a4 प्लस टू माइनस टू के साथ इसको कैंसिल करेंगे, और जो प्रोसेस हम इक्वेशन के एक साइड पे करेंगे वही दूसरी साइड पे भी किया जाए। ए फोर प्लस वन ओवर ए फोर, 36 में से 2 गए तो 34, और यही हमारा रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, हमें दिया क्या हुआ है, गिवन है a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, और रिक्वायर्ड क्या है, a प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां पे हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और यहां पे फार्मूला भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन लिखना जरूरी है, वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 इनटू a इनटू 1 ओवर a और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमने कैंसिल करना है, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस, अगर हम दोनों तरफ यहां पे एड 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के हम 4 का साफा करेंगे, दोनों साइड, मैंने कहा था कि इक्वेशन में जो भी आपने करना है, जो भी प्रोसेस करना है वो दोनों साइडों पे होगा, इसलिए 4 हम दोनों तरफ इजाफा कर देंगे, ए स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 और ये 4 है, तो दोनों तरफ 4 का हम इजाफा करते हैं, इधर भी और इधर भी, हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 आ गया, और दूसरी तरफ 4 एंड 4 क्या आएगा, ये हमारा एक मुकम्मल स्क्वायर बन चुका है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा यहाँ पे a प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा 8, तो ये हमारा होल कंप्लीट स्क्वायर था, इसलिए हमने कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, तो ये 8 के इक्वल आ गया, और हमारा हमने फाइंड भी ये करना था इसलिए हम इसे प्रूव लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसके बाद हम 12 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉर्मूला पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि अगर दो स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया है तो उनके जो टर्म्स हैं उनको एक दफा प्लस कर दे एक दफा माइनस कर दे, यहां पे ए स्क्वायर दिया गया है और फिर बी स्क्वायर दे, ये दो स्क्वायर है और माइनस का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस है, और इसको हमने कैसे इसका हल निकालना है, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, या दो टर्म एक दफा प्लस हो रही हो और एक दफा माइनस हो रही हो तो एंड पर जाकर दोनों का स्क्वायर लग के बीच में माइनस लग जाता है, यहां भी हम यही करेंगे, इन क्वेश्चन में बार बार यही फॉर्मूला आएगा। पहला पार्ट हम कर रहे हैं
प्लस वन, ए माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस वन। यहां पर हम देखते हैं सॉल्व, पहले लिख लें इसको और एक तो क्वेश्चन, ये हिस्सा जो है दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस हो तो फिर हम क्या करते हैं कि स्क्वायर लगाकर दोनों टर्म के दरमियान माइनस लिख देते हैं। वी नो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी कि पहली का भी स्क्वायर लग गया, दूसरी का भी लग गया, बीच में माइनस, आगे ये वाला ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस वन। इसका स्क्वायर हम खत्म करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस वन, एकदम फिर यही फार्मूला यूज होगा क्योंकि टर्म्स एक जैसे हैं दोनों और बीच में एक के प्लस और एक के माइनस, तो हम इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए फोर माइनस वन, ये आंसर आएगा। तो कंटिन्यूज इसलिए कि यहां भी ये फार्मूला लगा है, यहां पर आकर दोबारा यही फार्मूला लगा, तो एक ही फार्मूला कंटिन्यू है इसलिए। सेकेंड पार्ट इसका ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए फोर प्लस बी फोर। हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं इस फॉर्मूले को देखें तो ये सेम बात यहां पे भी है, ऐसे ही है जैसे फॉर्मूले में है। तो हम इसको फॉर्मूला एक दफा लिख देते हैं, इस फार्मूले को इस तरफ को पढ़ लें या इधर को पढ़ लें, एक ही बात है। तो यहां पे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, आगे ये ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए फोर प्लस बी फोर। तो सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए फोर प्लस बी फोर। तो ये जो है एक तरफ फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, तो पहली रकम पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर और आगे ये वाला ए फोर प्लस बी फोर, इसी तरह ही रहेगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए फोर माइनस बी फोर, ए फोर प्लस बी फोर, फिर एक दफा प्लस एक दफा माइनस टर्म एक जैसी है, फिर फॉर्मूला यही वाला लगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एट माइनस बी एट। तो ये हमारा आंसर हुआ, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अभी हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, टू पी प्लस थ्री क्यू, टू पी माइनस थ्री क्यू, फोर पी स्क्वायर प्लस नाइन क्यू स्क्वायर, उसके बाद सिक्सटीन पी फोर प्लस एटी वन क्यू फोर। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे और हम एक दफा इसे ऐसे ही लिख देते हैं, नाइन क्यू स्क्वायर 16P4 प्लस 81Q4। यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है दोनों की टर्म 2P3Q 2P3Q है, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, तो हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी कि दोनों का फर्स्ट टर्म लेकर उसका स्क्वायर बना लिया, फिर सेकंड टर्म लेकर उसका स्क्वायर बना लिया। इधर फर्स्ट टर्म क्या है 2p, उसका स्क्वायर बना लिया माइनस 3q का स्क्वायर बना लिया। आगे वाली वैसी अभी लिखी जाएंगी। ये कितना आ जाएगा 2 2s आर 4p स्क्वायर माइनस 3 3s आर 9 q स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस 9 q स्क्वायर 16p 4 प्लस 81q 4। यहां पे हमारा सेम एक जैसे थे और इधर भी यहां पे 4p स्क्वायर 9 q स्क्वायर 4p स्क्वायर 9 q स्क्वायर, एक में प्लस माइनस, एक में प्लस और एक में माइनस, तो हम इनके स्क्वायर ले लेंगे 4p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16p4 प्लस 81q4। तो ये जो हमने स्क्वायर ले लिया हुआ है ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, p स्क्वायर स्क्वायर p 4 हो जाएगा माइनस 9 9 जा 81 q4 हो गया और आगे क्या है 16 p4 प्लस 81 q4। और यहां भी हम देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं 16 p4 81 q4 16 p4 81 q4। तो इस तरह से हम यहां भी फार्मूला हमारा लगना है, फार्मूला लगते हुए पहली टर्म का हम स्क्वायर बना लेंगे 16 p4 स्क्वायर और दूसरा क्या है माइनस 81 q4 स्क्वायर। 16 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे p8 और फिर 81 को 81 से, यह आ जाएगा माइनस 6561 q8। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम आ रहा है, ये तीसरा पार्ट खत्म हुआ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, x प्लस 81 p स्क्वायर माइनस 49 q स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। इसमें से टू टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हुए कैसे ये आंसर आ सकता है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 81 p स्क्वायर माइनस 49 q स्क्वायर। अगर हम इसके स्क्वायर बनाएं तो 9 p स्क्वायर माइनस 7 q स्क्वायर। और हम हमारा फार्मूला जो भी हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको कैसे हम करेंगे कि एक दफा इसको प्लस में कर दिए, एक दफा इसको माइनस कर दिए। 9 पी स्क्वायर प्लस 7 क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हम नहीं अभी लगाएंगे, स्क्वायर अब दो दफा करने से खत्म हो जाएगा 9p माइनस 7q। ये स्क्वायर एक दफा 9p इधर आ गया, एक दफा इधर आ गया और 7q दो दफा आ गया, तो 7p प्लस 9p प्लस 7q इनटू 9p माइनस 7q। टर्म्स वही रही, एक दफा प्लस हो गया एक दफा माइनस, इस तरह से कि शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो एक टर्म ये होगी एक टर्म ये होगी, दोनों आपस में प्रोडक्ट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13, इसके बाद हम 14 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये अलग अलग है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस है,
तो इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, यानी कि जैसे a प्लस बी ए माइनस बी जो है उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3a प्लस बी इनटू 3a माइनस बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3a प्लस बी 3a माइनस बी, वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर बना देंगे, बीच में माइनस का साइन होगा। फर्स्ट टर्म है 3a, उसका स्क्वायर बना दिया, बीच में लगा माइनस, फिर 3a दूसरा क्या है बी बी स्क्वायर, 3a का और b का और दरमियान में माइनस का साइन, 3 3s are 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b, वी नो कि अगर दो सेम टर्म हो, एक दफा प्लस हो और एक दफा माइनस हो, तो वो आती हैं पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये सेम है, ए बी इधर भी है ए बी इधर भी है। अब इसी तरह से हम ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं, दो दफा दिया हुआ, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर हम बना लेते हैं माइनस सेकेंड का स्क्वायर बना लेते हैं, 5 5s are 25a square 3 3s are 9b square, इसका ये आंसर हुआ। तो अब पार्ट इसका थर्ड हो गया, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 a plus b and a minus b is equal to a square minus b square, इसको सामने रखते हुए हम उसको ऐसे करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर बनाएंगे माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर बनाएंगे, 2 2s are 4x square 3 3s are 9y square, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट है 2 टर्म का, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। और हम नेक्स्ट हम ये इस चैप्टर नंबर 9 की एक ही एक्सरसाइज थी, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीन फार्मूले हमने किए हैं इसमें, तीनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझे होगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और जहां पे इस वीडियो को देखते हुए समझ नहीं आती रीप्ले करें, दोबारा से देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोज जो हैं टाइम पर पहुंचते रहें। थैंक यू।